आप देख पा रहे हैं हमारी मसाला रिंग मटरी बहुत ही खस्ता और पोली बन के तैयार हुई है। जिस तरह दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। इस तरह की मटरी बना करके त्यौहारों के समय यदि आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो दिखने में अच्छी होने के कारण उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मसाला मटरी। मसाला मटरी में दो लेयर्स होती है। उसके बाहरी लेयर के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है और इसको हम बाउल में ले लेते हैं। यदि आपके घर में नाप वाले कप नहीं हो तो आप कोई भी कटोरी या प्याला हो उस हिसाब से उस नाप को सेट कर सकते हैं। अभी इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच इसमें हम अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को हम हाथ में लेकर के इस तरह से मसल के डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर मटरी की बाहर लेयर में बहुत अच्छा आएगा। मटरी को खस्ता बनाने के लिए 4 टेबल स्पून इसमें तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो घी का मोयन भी लगा सकते हैं। मोयन डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से मटरी खस्ता बन के तैयार होती है। ये 4 टेबल स्पून हमने डाला है और सबसे पहले सबको मिक्स कर लेते हैं। ये मोयन सभी जगह अच्छे से लग जाना चाहिए। मोयन को हमने सब जगह अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से लास्ट में आप लड्डू की तरह बना के देख लें। ये हमारा मोयन बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अच्छा मोयन लग जाता है तो आराम से इसका लड्डू की तरह बन जाता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। पानी कभी भी आप एक साथ ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और हमें इसका टाइट आटा गूंद के तैयार करना है। आटा हमारा अच्छा गूंद के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं हमने टाइट आटा गूंद के तैयार किया है। जैसे पूड़ी का आटा गूंद के तैयार करते हैं उसी तरह का टाइट आटा गूंद के तैयार किया है। इतना आटा गूंदने के लिए हमने आधा कप पानी लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून पानी हमारे बच गया है। अब इस आटे को हम ढक्कन लगा के रख देते हैं। मटरी के अंदर वाली लेयर के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। इस बेसन को हम बाउल में ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो तो कोई भी बाउल जिस नाप से आपने मैदा लिया है उसी नाप से आप बेसन भी ले लेंगे। अभी इसमें हम आधा चम्मच मिर्ची डाल देते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। लगभग 1 चम्मच जितना हमने कसूरी मेथी को लेकर के पाउडर बना दिया उसका, वो पाउडर भी इसमें डाल देते हैं। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है तो वो आप ज़रूर डालें। 1/2 चम्मच इसमें हम अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को भी इस तरह से हम हाथ में मसल के डालेंगे जिससे इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ हमने इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। 1/2 चम्मच इसमें हम जीरे का पाउडर डाल देते हैं। जीरे का आप साबुत नहीं डालें, उसका पाउडर आपके पास हो तो पाउडर डालें। यदि पाउडर नहीं हो तो आप जीरे को सेक करके उसका पाउडर बना लें। 1/2 चम्मच इसमें हम गर्म मसाला डाल देते हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें हम 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं और सभी मसालों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम 4 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। तेल का मोयन डालना भी इसमें बहुत ज़रूरी है जिससे क्या मटरी हमारी खस्ता बन के तैयार होती है। ये 4 टेबल स्पून हमने तेल डाला है और तेल को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोयन को सब जगह अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं सब जगह हमने अच्छे से इस मोयन को मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम इमली की चटनी डाल देते हैं। यदि आपके पास इमली की चटनी नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ डालने से इसका हल्का सा मीठा टेस्ट आ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड़ भी नहीं हो आपके पास तो आप थोड़ी सी चीनी को पीस करके 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। हमारे पास इमली की चटनी थी इसीलिए इसमें हमने इमली की चटनी डाल दी। जिस इमली की चटनी के अंदर गुड़ होता है
इमली भी होती है, तो उसका खट्टा मीठा टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। तो हल्का खट्टा मीठा टेस्ट आता है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इस चटनी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। बेसन का जब भी आप आटा गूंथते हैं तो आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। इसका भी हमें टाइट आटा गूंथ के तैयार करना है। ये बेसन का आटा भी हमने गूंथ के तैयार कर लिया है, आप देख पा रहे हैं ये भी हमने काफ़ी टाइट गूंथ के तैयार किया है। इस आटे को गूंदने में हमने आधा कप पानी लिया था, 3 टेबल स्पून पानी लगा है, बाकी सब पानी हमारा बच गया है। अभी इसको हमें ढक्कन लगा करके रख देते हैं। अभी आटे को रखे हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के देख लेते हैं। आटा हमारा अच्छा बिक गया है, सॉफ्ट भी हो गया है, इसको एक बार वापस गूंद लेते हैं। उस आटे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसका लोई बना लेते हैं। इस तरह से गोल लोई बना करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ जो बेसन हमने गूंद के रखा है उसको भी वापस ले लेते हैं। बेसन को भी एक बार वापस मसल लेते हैं इस तरह से, और इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। इसका भी लोई हमने बना लिया है। बेलने के लिए हम सबसे पहले एक मैदे का लोई ले लेंगे और इसके इस तरह से दबा देंगे इसको, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, खाली थोड़ा सा पानी इस तरह से लगाएं, जिससे क्या है बेसन वाला जब इसके ऊपर रखें हम तो आराम से चिपक सके। ये बेसन का जो आटा गूंद के तैयार किया है ये इसके ऊपर रख देंगे, दोनों अच्छे से चिपक जाएंगे। जब फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर है, खुलेगी नहीं। अभी इसको हम बेल लेंगे। इसको हम थोड़ा पतला ही बेल के तैयार करेंगे, पर ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे इसको। ये हमने बेल के तैयार कर लिया, दिखा देती हूँ मैं इसको थिकनेस आपको। तो ये अभी इसको हम लपेट लेते हैं, इसको टाइट टाइट हमारे को लपेटना है इस तरह से, अच्छे से दबा करके टाइट टाइट लपेटा इसमें। और इसके कॉर्नर पे आप इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा दें जिससे कि ये चिपक जाए, अच्छे से निकले नहीं। अभी इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे। जितनी पतली आप मटरी बनानी है उस हिसाब से इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस तरह से। अभी इसको हम साइड से एक बार इधर से काट लेंगे, इधर साइड से भी काट लेंगे। अभी आधा सेंटीमीटर लगभग हम इसको काट लेंगे, अब देख पा रहे हैं इतना पतला पतला ही काट रहे हैं। सभी मटरी को हमने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। हमने मटरी को थोड़ा पतला पतला काटा है, आप देख पा रहे हैं इतना पतला पतला हमने मटरी को काटा है, इसलिए हमें इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके हाथ से थोड़ा मोटा कट जाए तो आप थोड़ा सा बेलन लेकर के उसके ऊपर बेल सकते हैं, जिससे वो पतली हो जाएगी। अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे। मटरी को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है, अभी गैस को चालू कर देते हैं। अभी हमारा तेल हल्का गर्म हो गया है, इसको ज़्यादा तेज आंच में नहीं डालें, थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद में डालें, और धीरे धीरे आँच में हमें फ्राई करना है इसको। आप देख करवा रहे हैं मटरी जो डाल रहे हैं वो अंदर चली गई है पूरी, इसको धीरे धीरे आँच में फ्राई करेंगे। अभी आँच को हम स्लो और मीडियम के बीच में कर लेंगे, तेज आंच में करेंगे तो क्या अंदर से एक अच्छी रह जाएगी। तो थोड़ा सा इस तरह से कढ़ाई को हिला देंगे, इससे अंदर चिपकेंगे भी नहीं। आप देख पा रहे हैं मटरी को हमने स्लो आंच में ही फ्राई किया है, तो इसका अच्छा कलर आ गया है।
और इसके बबल्स भी देखिए आना कम हो गए हैं। मटरी जब फ्राई होती है तो उसके बबल्स आना कम हो जाते हैं। जिस समय हमने डाला था उस समय काफ़ी बबल्स आ रहे थे, आप देख पा रहे हैं। इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है, इसकी हर लेयर अच्छे से दिखाई दे रही है। इस तरह से हम सभी मटरी को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इस तरह की मटरी बना करके आप लिक टाइट डब्बे में भर के रखेंगे तो महीने भर भी ख़राब नहीं होती है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।